एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप तो जानते हैं हनुमान भगवान को हम संकट मोचन भी कहते हैं। कहते हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं पहले ही हनुमान जी खत्म कर देते हैं। अगर हनुमान जी के कुछ उपाय किए जाएं या कुछ पूजा की जाए या उनकी फोटो ही अपने आप में बहुत काफी है। कहते हैं अगर आपको बुरे सपने आते हैं या आपको ब्लैक मैजिक से डर लगता है या इविल आई से डर लगता है तो सिर्फ हनुमान चालीसा अपने पास रखते ही, पॉकेट वाली हनुमान चालीसा अपने पास रखते ही, अपने तकिए के नीचे, अपने बैग में रखते ही आपकी काफी सारी परेशानियां इससे पहले ही खत्म हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हनुमान भगवान की ऐसी कुछ फोटोग्राफ्स जिन्हें आप अपने घर में लगाते हैं या अपने फोन में लगाते हैं तो आपकी लाइफ में, अगर सपोज रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप बहुत परेशान हैं, छोटी मोटे वास्तु दोषों से परेशान हैं या बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में फेस कर रहे हैं आप, तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक फोटो लगाकर, ओनली एक फोटो लगाकर कुछ ही दिन में आपको, आप अपने घर में चमत्कार देखेंगे, आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देखेंगे कि छोटी सी एक फोटो लगाकर, यानी कि भगवान की छोटी सी आपको प्रतिमा की फोटो लगानी है। जैसी जैसी फोटो मैं आपको बताऊंगी अगर वैसे अगर आप लगाते हैं तो आप अपने जिंदगी में खुद ही चमत्कार देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बट उससे पहले जान लीजिए मैं कौन हूं, शालिनी गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको, मेरा आशा करती हूं आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, अभी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर नहीं करती तो ये चीज मेरा को जरूर आपको बताना होता है। बहुत से लोग अभी भी पुरानी वाली वीडियोस में जाकर पैसे दे देते हैं उन लोगों को और फिर मुझे आके मेरे नंबर पे बताते, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट पे जाकर आप मुझे आराम से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेरा दूसरा एक चैनल है वास्तु मिरेकल्स मंत्रा के नाम से, जहां पे मंडे और फ्राइडे को मंत्रास आते हैं जिनको सिर्फ सुन के आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हनुमान जी की फोटोज के बारे में। हनुमान जी की पिक्चर आपने दक्षिणमुखी सुना होगा, हनुमान जी पंचमुखी, और आपने एक ऐसे हनुमान जी को भी देखा है जहां पे पहाड़ लेते हुए वो उड़ते हुए जा रहे हैं, या फिर एक सफेद बालों वाले हनुमान जी भी आपने देखे होंगे फोटोज में देखे होंगे, भजन करते हुए भी हनुमान जी आपने देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे देखे होंगे। तो अभी हम सबसे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, देखिए सपोज आपके साउथ ईस्ट में जो कि फायर का जोन है वहां पर पानी है अगर, और वहां नहीं होना चाहिए, तो अगर वहां आप दक्षिण मुखी आप हनुमान जी की फोटो लगाते हैं, जैसे कि एक कोई फोटो लीजिएगा जो लाल, जिसमें लाल हनुमान जी हो, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड लाल हो और वो जो उनका फेस हो वो दक्षिण मुखी हो, तो अगर आप उस वॉल को देखते हुए लगा देंगे या उस वॉल पर लगा देंगे तो आपका ये वास्तु दोष उस जगह से खत्म हो जाएगा। और क्या जानते हैं, आपका कैश फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा, पैसे से रिलेटेड का प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक ये लाल हनुमान जी की आपको फोटो लगानी है और आपका रियली आपका पैसों का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपके पास बहुत सारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत परेशान हो गए, तो आपको क्या करना है, जहां भी आप बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं वहां पर ठीक सामने वाली वॉल पर एक ऐसे हनुमान जी लगा दीजिए उड़ते हुए पहाड़ लेकर जा रहे हैं, अपने हाथ में पहाड़ रखते हुए उड़ते हुए जा रहे हैं। सारी फोटोज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर, आपको एक आइडिया लग जाएगा इस तरीके की फोटो लेनी है। फोटो आप आराम से निकाल के गूगल से आप डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां लगाएंगे, आप देखेंगे धीरे 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 आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तीसरा, अगर आप लाइफ जॉब चाहते हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो एक ऐसे हनुमान जी जो आपने देखा होगा व्हाइट कलर का बॉडी जिनका होता है, व्हाइट बालों वाले आपको मिल जाएंगे, बहुत ईजिली आपको मिल जाएंगे। इसको अगर आप अपने घर पर लगाते हैं, यानी कि आप इसको अपने नॉर्थ दिशा में लगा लीजिए, यानी कि अपनी उत्तर दिशा में अपने घर की लगा लीजिए, या फोन पे वॉलपेपर भी आप इसको बना सकते हैं, जल्दी आपको ग्रोथ मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आपको सफलता हासिल होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपने देखा होगा एक ऐसे हनुमान जी जो भजन गा रहे हैं, राम जी के भजन गा रहे हैं,
ऐसी इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए और बच्चों के स्टडी रूम में लगा लीजिए। बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, फोकस बच्चों का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, अपनी जगह पे वो सक्सेस पाना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी उसको पार कर देंगे। अब आपने देखा होगा एक ऐसे हनुमान जी जो राम दरबार में हैं, यानी कि राम जी के आगे नीचे घुटने में झुक के बैठे हुए हैं, घुटने के बल बैठे हुए हैं। अगर आप अपने परिवार में प्यार चाहते हैं, आपसी रिलेशंस बहुत अच्छा होना चाहते हैं, आप चाहते हैं बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हम लोगों के, मतलब घर में कला कलेश ना हो। देखिए बहुत सारी जगह मैंने देखा है ससुराल में लड़ाई झगड़ा होता है, इन लॉज की नहीं आपस में बनती है, डॉटर इन लॉ के साथ मदर इन लॉ की नहीं बनती, या पति पत्नी की ये नहीं बनती, इस तरीके के काफी सारे इश्यूज आते हैं। अगर घर में कलह का प्रॉब्लम है, कलेश का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, किसी के आपस में नहीं बनती, तो इस फोटो को आप राम दरबार जिसे बोलाता है अपने घर में, यानी कि अपने घर के बैठक में इसे लगा लीजिए, यानी कि आपका जो ड्राइंग हॉल है उसमें आप लगा लीजिए ईस्ट वॉल पे। देखेंगे आपके घर के जो भी लोग हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं, कहते हैं मैम हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, तो मेडिटेटिंग एक हनुमान जी भी हैं जो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे, जो राम भक्त का मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे अपने जहां भी आप मेडिटेशन करते हैं, जहां भी आपकी कोई जगह है जहां पे मेडिटेशन करते हैं, वहां पर अगर आप लगा देते हैं, सामने वाली वॉल पर अगर लगा देते हैं, नहीं तो आप अपना वॉलपेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल पे, जो भी आज मैं आपको बता रही हूं आप सब मोबाइल वॉलपेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपका मेडिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मैं ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये वो लोग ही यूज करें जो आप स्पिरिचुअल उस पर हैं, जर्नी पर हैं और आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो लोग ही यूज कीजिए। और बच्चों के रूम में नहीं लगना है, जो जॉब करें उनको नहीं करना है, ये सब चीजें उनको नहीं लगानी है, यानी कि मेडिटेटिंग हनुमान जी जो है और किसी को नहीं लगाना है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट, अगर आप दक्षिण यानी कि अपने घर के साउथ दिशा में अगर आप बैठे हुए हनुमान जी जो आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की फोटो लगाते हैं, तो आप लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स है उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके पास संकट आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। ये छोटी छोटी इमेजेस पर भगवान की बहुत काम की इमेजेस है, इनको अगर आप लगाएंगे ठीक इस तरीके से जैसे मैंने बताया तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।